हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा के कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि प्रदेश की मनोहर सरकार कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और नई नई तकनीकों के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। ऐसी ही एक तकनीक एक्वापोनिक्स है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर इजराइल में किया जाता है, जिसके जरिए खेती करना किसानों के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि इजराइल और हरियाणा की जलवायु में काफी समानताएं हैं। ऐसे में इजराइल की तकनीक हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसलिए प्रदेश में फलों, सब्जियों और फूलों की खेती के लिए इजराइल की तकनीकों को अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार नई नई तकनीकों के सहारे किसानों के लिए खेती आसान बनाने की कोशिश कर रही है, साथ ही नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है, क्योंकि बदलते समय के साथ नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके सब्जियों को मिट्टी के अलावा पानी में भी उगाया जा सकता है। एक्वापोनिक्स भी कुछ इसी तरह की तकनीक है। इस तकनीक में बिना मिट्टी के पानी और फ्लोटिंग बोर्ड के सहारे खेती की जा सकती है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो करनाल में हरियाणा सरकार के सहयोग से एक्वापोनिक्स तकनीक के जरिए मछली पालन और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। करनाल के रहने वाले प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह को अपने उत्कृष्ट कार्यों की वजह से पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। किसान सुल्तान सिंह कहते हैं कि एक्वापोनिक्स तकनीक से खेती करना किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि खेतों में जो फसल 3 महीने में तैयार होती है, वो फसल एक्वापोनिक्स तकनीक के जरिए सिर्फ 45 दिनों में ही तैयार हो जाती है। प्रगतिशील किसान सुल्तान ने बताया कि एक्वापोनिक्स तकनीक के जरिए ऊपर सब्जियों का उत्पादन हो सकता है और नीचे मछली पालन हो सकता है। इस तकनीक से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि इस तकनीक को एक बार लगाकर दोबारा कोई खर्चा करना नहीं होता और इसमें नलाई गुड़ाई के लिए कोई मजदूर नहीं लगाने पड़ते, ना ही कोई खाद और दवाई डालनी पड़ती है। ये सर हमारा जो है एक्वापोनिक्स, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को, नीचे मछली ऊपर सब्जी। ऊपर जो हम सब्जी उगाते हैं सारी ऑर्गेनिक है, बिना खाद दवाई के है। किसान को इसका जो बेनिफिट मिलता है यही मिलता है, किसान एक दफ़ा लगा के इसके अंदर दोबारा किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। मछली को जो हम दाना डालते हैं, उस दाने से जो बायोफ्यूल मैटर निकलता है, वो सारा का सारा हमारा पौधा ले लेता है। जो पौधे के न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद अब खेत के अंदर अगर हम सब्जी लगाते हैं तो सब्जी में सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा नलाई गुड़ाई का अंदर है। गुड़ाई की जो हमारी लेबर है वो बहुत महंगी पड़ती है। इसके अंदर एक दफ़ा लगाओ और भूल जाओ, उसके बाद इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। और ना ही इसके अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं किसी भी पेस्टिसाइड वगैरह का, क्योंकि पेस्टिसाइड का अगर हम स्प्रे करते हैं तो मछलियाँ मरने का डर रहेगा, मरने का डर क्या रहेगा, मर जाएंगी। तो इसीलिए तो इसके अंदर जो भी हम जिस तरह का को अगर कोई किसी तरह की बीमारी आती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसमें ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करते। किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि एक्वापोनिक्स तकनीक से साल भर में मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है, साथ ही सब्जियों का उत्पादन भी किया जा सकता है। किसान भाई इस तकनीक से अपनी आय 6 गुना बढ़ा सकते हैं। इस
प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा नहीं कहता, इतनी सी जगह में से पूरे साल की एक किसान की 300 रुपए की डेली सब्जी उतर सकती है, जो वो बाज़ार से लेकर आता है, उसके बाज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध खाना खाएगा। और उसके साथ मछली हमारी 20 टन इसके अंदर पैदा हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग बाज़ार में 30 लाख रुपए के आसपास है, तो 10 लाख रुपए हमारे में मछली में कमा सकता है और 3 से 4 लाख रुपए सब्जी से कमा सकता है। किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, जिनके पास मछली पालने का काम है वो इंटीग्रेशन के अंदर और हाईटेक सिस्टम के अंदर एक्वापोनिक्स अडॉप्ट करे और अपनी आय को 6 गुना बढ़ाए। वहीं किसान सुल्तान सिंह के बेटे नीरज ने बताया कि ये तकनीक काफी अच्छी है। एक्वापोनिक्स तकनीक से सब्जियों और मछलियों का उत्पादन पूरी तरह से जैविक होता है। इसमें रासायनिक खाद की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आम व्यक्ति भी इस तकनीक को अपने घर की छत पर अपनाकर जैविक सब्जियां उगा सकता है। सर, इस टेक्नोलॉजी को एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स में मछली और सब्जी दोनों एक साथ की जाती हैं और इस विधि के अंदर दोनों ही चीज़ें, सब्जी भी और मछली भी, जैविक होती हैं। ये रासायनिक खाद से परे होता है, रासायनिक खाद की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि आज के समय में हरियाणा, पंजाब, कहीं का भी आप देख लो, रासायनिक खाद का बहुत चलन हो चुका है, क्योंकि हर किसान अपनी प्रोडक्शन पर ध्यान देता है। पर हम चाहते हैं अभी आने वाला जो युवा है हमारा देश का, उसको एक पौष्टिक खाना और हम शुद्ध खाना दें, तो इसी के लिए हमने जो है इस तकनीक को अपनाया है। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं एक्वापोनिक्स को अपनाएं और इससे अपनी जो आय हैं वो 2 गुना नहीं, 4 से 6 गुना तक बढ़ाएँ, क्योंकि इसके अंदर आप सब्जी तो उगा सकते हैं, सब्जी के साथ साथ आप मछली भी उगा सकते हैं। जो सब्जियों का उत्पादन है वो मल से मदद करेगा, मल से ही जो सब्जियां हैं वो उत्पन्न होने में कारगर होंगी, क्योंकि मछली का जो मल होता है उसके अंदर भारी मात्रा के अंदर अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं। किसान नीरज ने बताया कि एक्वापोनिक्स तकनीक के जरिए किसी मौसम में कोई भी सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे सब्जी का अच्छा भाव मिल सकता है। इस तकनीक के जरिए हवा से सांस लेने वाली मछलियों का पालन भी किया जाता है। इसकी जो तुड़ाई है आप कभी भी कर सकते हैं। आप जिन समय में सब्जियां जो हैं बाहर ख़राब हो जाती हैं बेमौसमी बारिश के समय, उस समय जो है किसान इसकी सब्जियां तोड़ करके बाज़ार में ले जा सकता है, जिससे उसको एक अच्छा भाव मिलेगा। दूसरा जो है इससे जो इसका जो खाना है वो जैविक होता है, क्योंकि इसके अंदर हम पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते। मछलियों के अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो हमारी मच्छी जो हैं इसमें मर जाएंगी, तो इसलिए हम इसको जैविक बोलते हैं पूर्णतः। और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं, ज़्यादातर आप इसके अंदर सलाद पत्ता और बेल वाली सब्जियां करेंगे तो उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। मछलियों का जो चयन है आपने, इसमें जो मछलियां हवा से सांस लेती हैं जिनको एयर ब्रीदर मछली बोलते हैं, पंगास हो गया, देसी मांगूर हो गया, पापदा हो गया, सिंगी हो गया, इन मछलियों का आप चयन कर सकते हैं, जिससे आपकी मछलियों को मरने की क्षमता जो है ना के बराबर हो जाएगी। और मछलियों का जो उत्पादन है, अगर मैं छोटे किसान के लिए बात करूं, अगर वो 15x200 से 250 फीट के शेड में काम करना चाहता है तो इसको बनाने में लगभग 5 लाख के आसपास उसका खर्चा आएगा, और इसी के साथ साथ जो उसमें उत्पादन होगा 8 से 10 लाख रुपए वो मछली से उत्पादन ले सकता है, 3 से 4 लाख रुपए वो सब्जी से उत्पादन ले सकता है। तो इसी के साथ साथ जो किसान है अपनी आय 2 गुना नहीं, 4 से 6 गुना तक कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक में थर्माकोल की शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इस तरीके से लगाया जाता है ताकि फल आने पर वजन से थर्माकोल की शीट न टूटे और न ही पानी में डूब सके। साथ ही नीरज ने बताया कि एक शीट में 8 गमले लगाए जाते हैं और 8 गमलों में अलग अलग सब्जी भी लगाई जा सकती है। गमलों में कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक शीट का खर्चा 1000 रुपए आता है। ये थर्माकोल की शीट है, इसको हमने इस तरीके का बनाया हुआ है ताकि ये फल आने पे वजन में टूटे ना, ना ये पानी में दबे। इस एक शीट में हमने 8 जो गमले हैं वो लगाए हुए हैं और 8 गमलों में आप अलग अलग सब्जी भी कर सकते हैं, एक तरीके की सब्जी भी कर सकते हैं। इसमें हमने कोकोपीट यूज किया है, जिसमें पौधा बहुत आराम से ग्रोथ करता है। इसी के साथ साथ जो इस पर एक शीट पर खर्चा आया हुआ है वो लगभग 1000 रुपये के आसपास आया हुआ है, सभी फल और ये आपका पेड़, गमला और शीट मिला करके। वहीं प्रगतिशील किसान नीरज सिंह ने बताया कि अगर कोई भी किसान भाई
इस तकनीक को सीखना चाहता है तो उनके फार्म पर आकर निशुल्क प्रशिक्षण ले सकता है। इसके साथ ही उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस तकनीक को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसी भाई को प्रशिक्षण लेना हो, सीखना हो, देखना हो, समझना हो किस तरीके से इस विधि में काम होता है, तो हमारे फार्म पे वो निःशुल्क, किसी बिना पैसे, कोई उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, वो आकर के इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से देख सकता है, सीख सकता है और इस विधि को अपना सकता है। ये जो विधि है किसानों की आय दोगुनी नहीं चार से छः गुना करने का विश्वास दिलाती है और हमने इस विधि को कामयाब करके दिखाया है। तो ज़्यादा से लोग अगर इसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हम वो पूरा कर सकेंगे और अपने देश का जो भोजन की और हमारी जो क्या बोलते हैं उसको देश की आय के अंदर हम वृद्धि करने में कहीं ना कहीं सहायक होंगे। इस तकनीक के इस्तेमाल से आजीविका के साधन भी बढ़ेंगे और साधारण खेती की तुलना में इस तकनीक से 90% पानी की बचत होगी। इस तकनीक में फसल मिट्टी की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ये तकनीक प्रति स्क्वायर फीट जैसी छोटी जगहों में भी ज्यादा पैदावार देती है और मिट्टी के मुकाबले इस तकनीक से उगी फसल में 40% तक ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं।